फिल्म एकदम वो बोलते ना पैसा वसूल मूवी वो थी मैम फिल्म अच्छी थी It was amazing 110 देंगे मतलब 100 में से 110 देंगे बहुत अच्छी थी कॉमेडी भी है फैमिली मूवी भी है मतलब दोनों देख सकते हैं बहुत अच्छी बहुत ही एंटरटेनिंग बहुत बढ़िया थे टीममेट दिलजीत एंड अक्षय अल्टीमेट मूवी वेरी नाइस पैसा वसूल थी थैंक यू 5 स्टार 1 नंबर फैबुलस कितने हिट थी लेकिन 2019 की फ्लॉप मतलब वो नहीं थी सुपर हिट नहीं थी हाँ। आपको कैसी लगी मैडम अच्छी है अक्षय कुमार की एक्टिंग कैसी थी अच्छी बहुत अच्छी एक फैमिली मूवी लगी आपको फैमिली मूवी लगी हाँ। कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि आप मूवी में बोर हो रहे नहीं कॉमेडी मूवी थी हाँ। तो 2019 में फिल्म इस फिल्म के लिए क्या कहना चाहेंगे आप दर्शकों देखना चाहिए दर्शकों को ये फिल्म हाँ देखना चाहिए कैसी लगी आपको फिल्म बहुत बढ़िया है फैमिली मूवी थी या कॉमेडी थी कॉमेडी भी है फैमिली मूवी भी है मतलब दोनों देख सकते हैं कुछ भी गंदा नहीं है कुछ भी नहीं है मतलब बहुत अच्छी मूवी 2019 में ऐसा कह सकते हैं कि मूवी सुपर हिट थी 2019 की हाँ कह सकते हैं बिल्कुल कह सकते हैं अच्छा अक्षय कुमार की हाउसफुल आई थी और गुड न्यूज आई दोनों में से कौन सी अच्छी मूवी थी मैं तो गुड न्यूज ही देखी है गुड न्यूज ही देखी अगर करीना कपूर की एक्टिंग अच्छी लगी या फिर कियारा आडवाणी की दोनों ही अच्छे थे मतलब उन लोगों का एक बहुत सीरियसनेस बाद में आ जाता है जब वो प्रेग्नेंट होता है और 7 मंथ में जो वो बेबी होता है और वो हॉस्पिटल में होता है आप मेरे हिसाब से पूरे 5 रह गए थैंक यू कैसी लगी आपको फिल्म एक नंबर बहुत अच्छी थी फैमिली मूवी थी या कॉमेडी फिल्म थी कॉमेडी भी थी फैमिली भी थी इमोशंस भी थे सब मूवी अक्षय कुमार की एक्टिंग कैसी थी हाउस में अच्छी थी या गुड न्यूज़ में अक्षय कुमार की तो पूछ नहीं यहां पे बहुत अच्छी है अच्छा और कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि मूवी बोर है नहीं नहीं सवाल ही नहीं है स्टार कितने देना चाहेंगे आप और गाने जो कि सौदा सौदा गाना कैसा मतलब गाने कैसे लगे आप लोगों को कहीं भी बुराई नहीं कर सकते अपन कहीं ऐसा कह सकते हैं कि 2019 की ब्लॉकबस्टर मूवी थी हो सकती है मतलब लास्ट मूवी वैसे भी मतलब अक्षय कुमार की इस साल 4 से 5 फिल्में रिलीज हुई उसमें सबसे अच्छी कौन सी सबसे अच्छी यही थी आप लोग क्या कहना चाहेंगे मूवी के बारे में यही वाली मूवी अच्छी थी 5 स्टार देना चाहेंगे मूवी में ऐसा कोई पल जो आप दर्शकों से शेयर करना चाहते हो या बहुत ही कॉमेडी मूवी थी और फैमिली मूवी भी थी आंसू भी आ गए थे कितने स्टार देना चाहेंगे 5 स्टार देना चाहेंगे 7 स्टार देना चाहूंगा अच्छा चारों की एक्टिंग में कौन अच्छा था अक्षय कुमार और वैसे सभी की अच्छी लगती है वैसे फैन हम लोग अक्षय कुमार की अक्षय के साथ दिलजीत जम रहे हैं यस मैम आपको कैसी लगी फिल्म फैबुलस कितने स्टार देना चाहेंगे आप अच्छा गाने कैसे लगे आपको गाने बहुत अच्छे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहिए कि दर्शकों को फिल्म देखनी चाहिए जरूर ऐसा कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि मूवी फैमिली नहीं है फैमिली मूवी है या कॉमेडी फिल्म है कॉमेडी फिल्म भी है फैमिली पिक्चर भी सर कैसे लगी आपको फिल्म कितने स्टार देना चाहेंगे आप 5 स्टार कैसी लगी आपको फिल्म अच्छी लगी अच्छी लगी हाँ। फैमिली मूवी है पारिवारिक फिल्म है हाँ, हाँ। गाने कैसे लगे आपको सारे गाने भी बहुत अच्छे लगे तो 2019 में मतलब पैसा वसूल फिल्म थी हाँ। पैसा वसूल सर कैसी लगी फिल्म आपको पैसा वसूल थी मैम कैसी लगी फिल्म आपको वेरी नाइस कितने स्टार देना चाहेंगे आप 5 स्टार अल्टीमेट दिलजीत एंड अक्षय अल्टीमेट मूवी कैसी लगी आपको फिल्म अक्षय कुमार अच्छे लगे सर कैसे लगे नाइस मूवी वेरी नाइस मूवी
कैसी लगी आपको फिल्म? कितने स्टार देना चाहेंगे? 4.5। आप कितने स्टार देना चाहेंगे? 4.5। मतलब सब लोग फ्रेंड्स आ रहे हैं मिलके देखे तो बहुत अच्छी मूवी लगी है। 2019 की ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। हाउसफुल अच्छी थी या गुड न्यूज अच्छी? गुड न्यूज अच्छी थी। अच्छा सॉन्ग्स कैसे थे इस फिल्म? बहुत बढ़िया था सॉन्ग्स। 2019 की ब्लॉकबस्टर फिल्म कह सकते हैं इसको? हाँ कह सकते हैं, ठीक ठीक थी। मतलब वॉर फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ सकती है? आराम से तोड़ सकती है। कैसी लगी आपको फिल्म? बहुत अच्छी। कितने स्टार देना चाहेंगे? 4 देंगे आप। कैसी लगी आपको फिल्म? बहुत अच्छी, बहुत ही एंटरटेनिंग। कितने स्टार देना चाहेंगे आप? मैं दूंगी 4.5। क्या लगता है 2019 की सबसे हिट फिल्म होने वाली है ये? ये तो पता नहीं अभी, ये नहीं पता, लेकिन आपको कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी फिल्म थी दिलजीत की, बहुत टाइम के बाद बॉलीवुड में एक बहुत अच्छी मूवी आई। अच्छा 2019 में अक्षय कुमार की बहुत सी फिल्म रिलीज हुई, क्या लगता है हिट जाएगी सभी फिल्मों में से? आई थिंक सो, बहुत अच्छी मूवी है। पैसा वसूल थी? टोटली टोटली पैसा वसूल थी, सब बहुत बढ़िया थे। ऐसा लग रहा है कि मूवी बहुत मजा आ गया। नहीं ऐसा पलटा जहाँ बोर हो रहे हो? बिल्कुल भी नहीं, नहीं बिल्कुल। कोई डायलॉग जो आप दर्शक से शेयर करना चाहते हो? ये डायलॉग उसका बहुत अच्छा था। कौन सा? दिलजीत दोसांझ कहते हैं फैदा 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 कहते हैं, बहुत सही, बहुत पंजाबी जो टच दिया है दिलजीत ने, बहुत मजा आया। मतलब आपको दिलजीत की एक्टिंग बहुत अच्छी? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। कैसी लगी आपको? इट वॉज अमेजिंग, 110 देंगे, मतलब 100 में से 110 देंगे, बहुत अच्छी। अच्छा कहीं ऐसा लगा कि कहीं आप बोर हो रहे हो? नहीं बिल्कुल नहीं, इट वॉज लाइक इमोशनली फिट थी, मेंटली फिट थी और फिजिकली भी बहुत अच्छी थी। गाने कैसे लगे आपको? गाने तो इट वॉज लाइक बॉलीवुड रीमिक्स। अक्षय कुमार इज ऑलराउंडर एंड दिलजीत की तो एक्टिंग इट वाज अमेजिंग, दर्शकों को देखना चाहिए। एब्सोल्युटली वन शुड वॉच। कितने I think 10. 2019 का रिकॉर्ड तोड़ सकती है कहीं ना कहीं ये फिल्म? Maybe different story from others movies. जैसे वॉर ने 450 करोड़ कमाए थे, क्या लगता है कितना कमाएगी गुड न्यूज़ अक्षय की? Approximately 500 करोड़। अक्षय ने एक तोहफा दिया है 2019 का। It's an excellent movie, ridiculous movie, different from others movies. पैसा वसूल थी आपके लिए? 200% पैसा वसूल थी। Okay, thank you. Thank you so much. सर कैसी लगी फिल्म? काफी अच्छी है। कितने स्टार देना चाहेंगे आप? कितने स्टार? 5। अच्छा अक्षय कुमार की अभी तक की 2019 की सबसे अच्छी फिल्म लगी आपको? हाँ। अच्छा ऐसा कहा जा सकता है कि 2019 की सबसे हिट होने वाली है ये फिल्म? हाँ हो सकती है। अच्छा वॉर की कमाई तोड़ सकती है, मतलब रिकॉर्ड तोड़ सकती है कहीं ना कहीं? ये कॉमेडी मूवी के हिसाब से बहुत अच्छी मूवी है। अच्छा फैमिली मूवी लगी मैम आपको कहीं ना कहीं? हाँ फैमिली मूवी तो है, बट कुछ डायलॉग ऐसे हैं जो मेरे हिसाब से इसमें नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं फैमिली को देखनी चाहिए ये मूवी। अच्छी कुछ इंस्पिरेशन, कोई मोटिवेशन दे रही है, कोई प्रेरणा दे रही है ये मूवी? हाँ मतलब पेरेंट्स के लिए, जो बच्चे मतलब जिनके नहीं हो पा रहे उन लोगों के लिए तो ठीक है, ठीक है, बट फैमिली के हिसाब से मुझे थोड़ी सी और लगी। कितने स्टार देना चाहेंगे आप? ठीक दे सकते हैं, कॉमेडी तो अच्छी है, कॉमेडी बहुत अच्छी है। अक्षय कुमार की करीना कपूर की बॉन्डिंग आपको कैसी लगी? अक्षय कुमार का माँ है। हाँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पैसा वसूल थी मतलब? हाँ जी। कैसी लगी फिल्म आपको? मैम फिल्म अच्छी थी। 2019 के कुछ ही दिन बाकी है, 2020 शुरू होने वाला है, तो क्या लगता है? ये बोल सकते हैं कि कुछ ही दिन बाकी है और कुछ ही दिन पहले कोई नया कंसेप्ट फिल्म में आया। ये अक्षय कुमार ने गिफ्ट किया है दर्शकों को, अपन बोल सकते हैं, क्योंकि अब क्या होता है नॉर्मल थीम पे, आपने भी आप मूवी देख रहे होंगे, एक नॉर्मल थीम ही चल रहा था, कुछ हटके का आया जिसमें सबने, जिस अक्षय कुमार दूसरों को फिल्म में परेशान करते, पर फिल्म में खुद भी परेशान हो जाता है दूसरों की वजह से। 2019 में तो स्टार्टिंग में तो एक सीरियस मूवी, देशभक्ति मूवी थी, लेकिन साल के आखिरी में अच्छा अच्छा ने बहुत कम, क्योंकि अपन देख सकते हैं कि 2019 सच कुछ इतना खास भी नहीं रहा सबके लिए। जैसे मेरी तो इंडिया भी वर्ल्ड कप हारी थी, तो मेरे को तो 2019 अच्छा था, पर फिल्म ने एक अच्छा रहा कि कुछ नया कंसेप्ट आ गया, कुछ अच्छा काम कुछ दिया। जैसे अपन बोल सकते हैं कि अभी अपनी आर्मी पे भी फिल्म आई थी, वो ऑफ द जोश, वो भी बहुत अच्छी थी। उसके बाद मेरे को ये भी अच्छी लगी, और फिल्म थी जिसने बॉलीवुड में इस साल रिकॉर्ड तोड़ा था कमाई की मामले में, क्या लगता है अक्षय कुमार की ये फिल्म वॉर का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? मैम उसके लिए तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि वो फिल्म लोगों को ज़्यादा इम्प्रेसिव थी, ये कॉमेडी है, जिन लोगों को कॉमेडी ज़्यादा अच्छी लगती है वो करेंगे। और हाँ एक और फिल्म ये कर भी दे, क्योंकि एंडिंग है तो एंडिंग में ईजी होता है कि लोगों को रहता है कि साल एंड होने से पहले हम कुछ कर लें। क्रिसमस की छुट्टियाँ भी चले तो कहीं ना कहीं लोग फ्री भी रहते हैं।
क्रिसमस की छुट्टियाँ भी रहती है, जैसे हमारी छुट्टी हमारी तो हम तो ऑफिस पे जाते तो हमारे ऑफिस के साथ भी हम मेंटेन करते तो एक अच्छा था। अच्छा, करीना कपूर या कियारा आडवाणी दोनों में से कौन बेस्ट लगी? आडवाणी। कियारा आडवाणी? यस। करीना कपूर को तो काफी साल हो गए। करीना कपूर को मैम टाइम हो गया है, देखते देखते लोगों का बोल सकते क्रश कम मतलब होता ही है, आपको भी पता ह्यूमन नेचर क्या है, एक चीज़ को 10 बार देखो तो वो 11वीं बार बोरिंग लगती है, पर कोई आया ही कम बार है तो उसको देखने में देता। अक्षय और दिलजीत दोनों की जोड़ी कैसी रही? क्या दिलजीत ने पूरा निभाया अक्षय का कॉमेडी देने में? बिल्कुल निभाया, इवन परेशान करा अक्षय को। तो अक्षय भी परेशान हुए? बिल्कुल हुए, क्योंकि अपन यही जानते ना मैम कि अक्षय दूसरों को परेशान करते, पर यहाँ पे उल्टा था, यहाँ पे किसी ने अक्षय को परेशान करा। ऐसा कोई डायलॉग जिसमें आज आप दर्शकों को बताना चाहेंगे ये डायलॉग उसमें परफेक्ट था? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ ऐसा याद नहीं है मेरे को, पर फिल्म अच्छी थी। मतलब मूवी में आप पूरे इतने घूम गए थे कि आपको डायलॉग पता ही नहीं चला यार। ओके, पैसा वसूल थी? हाँ। कितने स्टार देना चाहेंगे आप मूवी को? 4। कोई ऐसा बोलता सुना? नहीं नहीं, अब पैसे खर्च करो तो फिर अब ऑप्शन था नहीं तो देखनी थी तो हमने देख ली। और ऐसा कोई पल था जहाँ आपके हंस हंस के गाल दर्द कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आंखों में से आंसू भी आ रहे हैं? नहीं, आंसू तो हम लाते नहीं, हंस हंस के गाल ही दुखाते हैं। भाई अक्षय कुमार की फिल्म आज रिलीज हुई है और उससे भीड़ में हमको एक अक्षय कुमार की बहुत बड़ी फेन मिली है जो कहना चाहती है अक्षय कुमार के बारे में, उनकी फिल्म गुड न्यूज के बारे में। कैसी लगी आपको फिल्म? फिल्म एकदम वो बोलते ना पैसा वसूल मूवी वो थी, क्योंकि हमको तो इन्होंने बोला था। हाँ, एक्चुअली में हम तो मैम अब क्यों जाएंगे फिल्म में, बट मेरे फ्रेंड्स को मैंने बोला चलो चलो और इन लोगों को ऐसा लगा कि हाँ बिल्कुल टाइम होते लाइक। मतलब अगली बार अगर ये कहेंगे कि ये फिल्म देखने जाए तो आपको जानी ही पड़ेगी क्योंकि ये आपकी पैसा वसूल फिल्म थी। और अक्षय कुमार की तो मैं वैसे ही बहुत बड़ी फैन हूँ, ऊपर से दिलजीत ये एक डायलॉग तो बनता है। देखिए मैम ये जैसे डायलॉग नहीं, एक्शन में बिलीव करती हूँ। नहीं नहीं, डायलॉग तो ऐसे सच में नहीं दे पाऊंगी। कोई से अभी याद हो अक्षय कुमार का गुड न्यूज़ फिल्म का? नहीं नहीं, गुड न्यूज़ का एक्चुअली मेरे सॉन्ग्स बहुत ज्यादा अच्छे लगे मुझे। अक्षय कुमार इतना पसंद है कि हाउसफुल 4 के सारे इसने देखे, चारों हाउसफुल देखे। बट वो हाउसफुल 4 से तो कंपैरेटिवली बहुत अच्छी थी, और दिलजीत सर थे जिनकी भी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। फुल पैसा वसूल मूवी थी? फुल पैसा वसूल मूवी, बस सब जा सकते हैं। 4.5। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।